नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम कहता है वोटर्स में आपका स्वागत है। न्यूज 18 के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विधानसभा क्षेत्र में जाकर वर्तमान विधायक के काम को लेकर जनता का फीडबैक जानेंगे। आखिर जनता 4.5 साल के कार्यकाल को लेकर कितनी संतुष्ट है, जो वायदे किए गए थे, जो चुनावी मुद्दे थे, वो कितने पूरे हुए। बहरहाल एक नज़र डालते हैं रायगढ़ विधानसभा पर। रायगढ़ विधानसभा के वर्तमान विधायक है प्रकाश नायक, कांग्रेस समर्थित हैं और रायगढ़ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से विभाजित है। बता दें, रायगढ़ में इससे पूर्व भाजपा के रोशनलाल अग्रवाल विधायक थे और तब भी सरकार प्रदेश में भाजपा की थी। अब रायगढ़ में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और रायगढ़ में भी कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में लोगों के जो है उम्मीदें बढ़ जाती हैं, लोग कुछ ज़्यादा ही अपने जनप्रतिनिधि से उम्मीदें रखते हैं। तो आइए जानते हैं रायगढ़ विधायक अपनी जनता के, अपने वोटर्स के उम्मीदों पर कितना खरा उतरे। मोहल्ले में आ गए हैं और जानेंगे कि 4.5 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद लोग आखिर जानते क्या हैं, रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक के कार्यकाल को लेकर क्या कहते हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे, लोग हैं जो वार्ड के, उनसे जानेंगे कि आखिर कितना काम हुआ इस 4.5 साल के कार्यकाल में। आप देख सकते हैं ये एक बस्ती है, यहाँ पर लोग हैं कि अपने दैनिक काम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ की जो महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे कि कितनी जो कार्यकाल रहा। दीदी, विधायक कौन है जानते हैं आप? प्रकाश नायक। अच्छा, कभी आए हैं मिलने? कभी जोगिड़ी पर मोर कदम नहीं रखी से। अच्छा। जोगिड़ी पर में नल है तो नल्ली नहीं देखा था से। रोज हमन बाता बाती होते तो हम रोड में पानी जाते तो ना ये मकान हमर देखा था कैसे दिखा थे ना, कभी मकान के बारे से कुछ नहीं हुई से। तो का मतलब के वो विधायक है थे। अच्छा, चुनाव जीते के बाद जब कमाथन तब खाथन, चुनाव जीते के बाद और कभी जोगिड़ी पर सकल भी नहीं देखा। अच्छा, अब फिर कहा थे चुनाव के समय आगे नेता मन फिर आपमन के घर रही, कहा कहा दो दीदी आपमन के काम जो वादा उम्मीद रही से पूरा हुई से? हमारा तो उम्मीद नहीं है इसे पूरा। क्या क्या कहना चाहेंगे? हमार कोई उम्मीद कोई चीज है पूरा नहीं हो से। हमारे का बात पूरा हमार मोहल्ला बहुत से जगह में नहीं हो, हमार मोहल्ला के तो दोबारा बोर्ड दे के काफी मिली है, मतलब जो हमारे कुछ इच्छा पूरा नहीं होते। देख सकते हैं भारी नाराजगी है विधायक के काम को लेकर। लोगों से जानेंगे यहाँ पे जो काम करते हैं, जो महिलाएं हैं उनसे तो बात कर लिए, और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर कि कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लगभग 4.5 साल का सरकार, दादा 4.5 साल सरकार का बीत गया समय, कितना काम हुआ है? क्या काम हुआ क्या काम नहीं, मैं क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में? संतुष्ट है काम से? है? काम से नहीं, देख सकते हैं काम से ये भी संतुष्ट नहीं है। भैया आप क्या कहना चाहेंगे, कितना काम हुआ? सरकार का 4.5 साल का समय बीत गया है, रायगढ़ के विधायक रायगढ़ से तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ भाई। नहीं है, क्या है कारण? कई कारण है उसमें, जिसमें से ये अनियमितता है, राशन पानी का अनियमितता, सही तरीका से नहीं मिलता है। क्या कहना चाहेंगे अगर लोगों के सरकार तब्दीली चाहिए? सरकार में क्या चाहिए? तब्दीली चाहिए, परिवर्तन चाहिए, सरकार में बदलाव चाहिए। देख सकते हैं विधायक से खासा नाराजगी है, और नाराजगी हो भी क्यों ना, क्योंकि देख सकते हैं नालियां हैं, सड़क है, और पता ही नहीं चल रहा कि सड़क में नाली है कि नाली में सड़क है। और भी महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे कि इस तरह से जो है क्या समस्या रोज हो रहा है, कब से ये समस्या से जूझ रही है, क्योंकि जो हम चल रहे हैं ये बीच सड़क है और सड़क में ही पानी निकल रहा है। दीदी पानी इतना गंदा कैसे दिखाई दे रहा है? गंदा पानी निकला थे, देखा नहीं? अच्छा, गंदा गंदा पानी निकल थे, थोड़े से पानी आते इतना एक घंटा। अच्छा। यहाँ नहाने का सुविधा नहीं है, पानी पिए के भी ढंग से सुविधा नहीं, इतना गर्मी में कहाँ नहाए जाब, कुछ नहीं है, बोरिंग नहीं है ना कुछ नहीं। तो कैसे करते हैं फिर बच्चों के लिए, बच्चे स्कूल जाते हैं? स्कूल नहीं जाते हैं अभी। अच्छा। अभी 4 साल का है। अच्छा, तो इस तरह से ही आपका दिन चलता है? हाँ, रोज ले जा के नहाते हैं। अच्छा, मैं जैसे देख रहा हूँ यहाँ पर करीबन 150-150 महिलाएं ऐसी सड़क किनारे, सड़क के बीच में पानी पाइपलाइन बिछा हुआ है। अभी 6 बजे आया है। हाँ। अभी 7 बजे बंद, उतना जितना भर पाएंगे उतना भर पाएंगे। अच्छा, देख सकते हैं नगर निगम है, नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है और रायगढ़ विधायक भी कांग्रेस के हैं, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। उम्मीद थी डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार से रायगढ़ का विकास होगा, और जिस तरह से सुपर फास्ट गति से विकास होना था वो तो कहीं कोसों दूर दिखाई दे रही है, क्योंकि ना ही विकास हुआ और ना ही लोगों को इससे लाभ मिला। तो
रायगढ़ विधायक से नाराजगी दिख रही है, और भी वार्ड है, और भी लोग हैं, और शहर के जो जनप्रतिनिधि है, जो जिम्मेदार है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, और जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या परेशानी हो रही है। 4.5 साल के कार्यकाल बीत जाने के बाद आखिर वो लोग अब क्या चाहते हैं, कितने खरा उतरे। रायगढ़ विधानसभा के रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर क्या कहते हैं इन, जो पिछले 4 साल का 4.5 साल का कार्यकाल रहा इसको लेकर क्या कहते हैं, और वर्तमान में रायगढ़ नगर निगम में भी कांग्रेस की सरकार है तो इसको लेकर क्या कहते हैं। दीदी क्या नाम है आपका, नाम क्या है? मोहनी। अच्छा ये बताएंगी कि अभी जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में, रायगढ़ के विधायक है कांग्रेस की, कितना काम हुआ है आपके क्षेत्र में? कितना काम हुआ है? क्या काम? आपके वार्ड में साफ सफाई, पानी, बिजली कैसी है व्यवस्था? हमारे वार्ड में कछु साफ सफाई नहीं है, पानी के भी बहुत समस्या है, ओकरा के नली बहुत गंदा महाकत है, लाइन गोल बहुत होते हैं। अच्छा भैया आप कैसे देखते हैं इसे, क्या कितनी परेशानी हो रही है रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में देखे तो? हमारे जोगी डिपा में तो इतना परेशानी है कि बोल नहीं सकते भैया, गंदगी अलग है और पानी हल्का फुल्का ठीक है, बाकी बार बार लैंड गोल होता है, रोड इतना गंदगी है कि आदमी कोई चल नहीं पाते हैं, जब तक गाड़ी में नहीं जाएंगे तो चल नहीं पाते हैं, पैदल तो कोई चल भी नहीं कर पाते हैं। आप देख सकते हैं लोग कह रहे हैं कि पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, और जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी, बिजली, पानी, सड़क, इन सब की जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, रायगढ़ विधानसभा का ये रायगढ़ नगर निगम भी आता है, कितना काम हुआ है, कत का काम हुआ है आप मन के वार्ड में? नहीं हुआ कुछ काम, सब आधा सीसी है, थोड़ा बार कछु कर देते हैं एक दिन तो दूसरा दिन कहाँ के कुछ काम नहीं। हाँ क्या कहते कभी विधायक से मिले कोशिश करे आप मन? हाँ मन नहीं मिले, मिले भर के। विधायक आए चुनाव जीते के बाद? नहीं आए हैं, हमार मोहल्लत नहीं आए कोई विधायक सीधायक, चुनाव जीती तहाँ पर मतलब हो गए भाई। अच्छा देख सकते हैं किस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद जो है यहाँ तक आना भी अपना जो नहीं समझते हैं कि यहाँ पर आकर देखें, लोगों की समस्या को जाने, लोगों की परेशानी जो हो रही है उसको जाने। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो परेशानी हो किस तरह से उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं बोतल जो है पानी भर रहे हैं, यहाँ पर नगर निगम के द्वारा पानी आ रहा होगा, इनसे बात करते हैं। कहाँ का दिक्कत का है आप मतलब आपके क्षेत्र में? घर नहीं निकला थे यहाँ, और साफ सफाई भी ठीक से नहीं होते, ठीक से कचरा बाली मन भी नहीं आए, अभी तो पानी है थोड़े थोड़े आते, 2 महीना होगी से। और अभी आप मन के क्षेत्र में कभी विधायक घूमे आए हैं? नहीं आए से, नहीं तो ऐसे है नहीं। रायगढ़ के विधायक कौन है ये भी शायद इनको जानकारी नहीं, रायगढ़ के विधायक अगर आते तो जानकारी होती। और भी महिला है उनसे बात करेंगे, क्या क्या परेशानी हो रही है आपके क्षेत्र में, क्या जो विधायक जी ने 4.5 साल पहले जो वादे किए थे, क्या उन वादों पे कितना खरा उतर सके? कुछ नहीं करेगा भैया, जिससे वोट दे भर आते हैं या वोट दवा के चले जाते कोई मतलब नहीं रही, और पानी ठीक से आ भी नहीं है, बहुत गंदगी, नली सली भी साफ सफाई करे नहीं, बस वही परेशानी है। अच्छा आप मन के घर में कितना सदस्य हो? हम 5-6 जन। तो रहने के लिए कैसे करते हैं, अभी जैसे बता रहे पीएम आवास नहीं निकला है, क्या आपका निकला है? नहीं निकली से, करके फार्म भरने के लिए घर नहीं निकली से, बस वही परेशानी घर द्वार के, अब वहाँ 4-5 जिन बढ़त जे ही ये जनसंख्या तो फिर कैसे करबू, तो वोट दे बार आते हैं ठग के वोट ले जाते हैं कोई मतलब नहीं रही। अच्छा देख सकते सीधे तौर पर अपने जनप्रतिनिधि से नाराजगी है कि आते हैं वोट मांगने आते हैं, वोट मांगकर चले जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कभी दोबारा लौट कर नहीं आते। देख सकते हैं ये जो आप क्षेत्र देख सकते हैं ये पूरी तरह से जो है एक स्लम बस्ती की तरह दिखाई दे रहा है, कभी विधायक जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचते नहीं है, और इनका आरोप है कि यहाँ पर भी कुछ काम नहीं हुआ है। माता आप इस वार्ड के रहने वाली हैं? नहीं जाना गोठिया उठिया बाबू। बच रहे हैं, कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं आप? नाली बहुत गंदा है, क्या कहेंगे? नाली हर गंदा है, तेला का नाली साफ सफाई नहीं होते, और क्या क्या समस्या है आप मन ला? आपका छुपे नहीं पानी क्या है? पेंशन मिलते? पेंशन नहीं मिलेगा बाबा, पेंशन नहीं मिलेगा, निराशी देते निराश्रित पेंशन मिलता है। और ये देख सकते हैं पानी की समस्या, जो जैसे बता रहे हैं पानी आता है लेकिन साफ पानी नहीं आ पाता, और ठीक बगल से ही नाली गुजर रहा है, यहाँ उसी के पास लोगों को रहना पड़ रहा है। यहाँ बच्चे भी उनसे भी बात करते हैं,
क्या विधायक को जानते हैं आपके क्षेत्र के? हाँ। कौन है विधायक? इधर 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 इधर। तो वार्ड के बच्चे भी हैं, कहते हैं बच्चे भविष्य होते हैं और इनसे भविष्य से ही बात करेंगे। रायगढ़ विधायक को जानते हैं? हाँ। कौन है आप? हो अच्छा, मैं विधायक हूँ। प्रकाश नायक का नाम सुने हैं? हाँ। कौन है वो? नेता है। वो नेता है? अच्छा, देख सकते हैं, प्रकाश नायक का नाम सुने हैं लेकिन जानते नहीं कि आखिर विधायक कौन। अच्छा ये बताइए, विधायक कभी आए हैं आपके क्षेत्र में? नहीं। अब जब आएंगे ही नहीं तो जानेंगे कैसे? तो हम आप इस माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि विधायक जी आपके क्षेत्र में आइए, आपके लोगों की परेशानी को समझिए, जिन्होंने आपको वोट दिया है, जो आपके ऊपर भरोसा जताए हैं उस भरोसे पर कायम हुई, और जो लोग आपसे उम्मीद रखे हैं उस पर भी कायम हुई, जो समस्या हो रही है, जो परेशानी हो रही है उसको भी सुनिए और लोगों की परेशानी को समझ करके इस क्षेत्र का विकास कीजिए, क्योंकि आपको जनता ने विकास के लिए चुना है। रायगढ़ विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से जायजा ले रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के और रायगढ़ विधानसभा के तुर्कापारा में। तुर्कापारा ये वार्ड है एक, यहाँ पर रायगढ़ के कांग्रेस के पार्षद ही यहाँ पर जो है वो काबिज हैं और यहाँ रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक का ये क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि आखिर ये जो बीते चार साल का, साढ़े चार साल का कार्यकाल रहा है, इसमें आखिर कितना काम हुआ, और लोग इस क्षेत्र के लोग अपने जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके काम से कितने संतुष्ट हैं, जिस मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट दिया था क्या वो मुद्दे पूरे हुए, जिन वायदों के साथ जनता के बीच विधायक जी पहुंचे थे क्या वो वायदे पूरे किए, ऐसे जानने के लिए हम हमारे साथ हैं वार्ड के लोग, उनसे बात करेंगे। रायगढ़ विधायक जी के कार्यकाल को लेकर हम बात करेंगे, आखिर ये क्षेत्र रायगढ़ विधायक के विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ है इस बीते साढ़े चार साल में? बहुत सा काम हुआ है सर। क्या क्या काम हुआ है? ये प्रधानमंत्री आवास निवास बनाए हैं और क्या चाहिए, जिसके पास प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जो पट्टा दिया था आज से 1994 में, उसके आधार से सबका प्रधानमंत्री आवास निवास पास हुआ है सर। अच्छा, कुछ अगर बात करें यहाँ मूलभूत सुविधाओं की, बिजली पानी सड़क क्या कैसा है? सब सुविधा यहाँ क्या है, बोर है, सरकारी नदी है, सब चीज़ तो है, और क्या चाहिए। जो वायदे किए थे, जिन मुद्दों के साथ जनता के बीच आए थे, क्या वो पूरे हो गए? अब पानी बिजली तो हमारे पास हमेशा है, कोई टेंशन नहीं है, और क्या चाहिए। चलिए देख सकते हैं, जनता जो है कुछ वायदों को लेकर जो काम पूरे हो उसको लेकर कह रहे हैं, कितना काम हुआ है, मानते हैं काम हुआ है? नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या क्या काम आप लोगों ने कहा और काम पूरा नहीं हुआ? हम लोग का इंदिरा आवास नहीं मिला है। हम लोग का बिजली बार बार चले जाते हैं, नाली साफ सफाई नहीं होता है, ये सब चीज का परेशानी हो रहा है। और मेन बात तो ये जो बनाए हैं उसमें हम लोग का और परेशानी हो रहा है, उसमें बहुत सारा मच्छर पनप रहा है और गंदगी हो रहा है, इसमें हम लोग का बीमारी भी फैल रहा है, ये सब चीज का परेशानी है। अच्छा, विधायक के काम से कितने संतुष्ट हैं आप? काम सुख नहीं है, सब में दुखे दुखे और का है। अच्छा। ना तो इंदिरा निवास घर भी दे थे तो वो नहीं मिला थे। हाँ। राशन कार्ड में भी नहीं होगा बोल रहे हैं। हाँ। तो हम लोग कहाँ से क्या क्या बनवा के लाएंगे तो हम लोग को घर मिलेगा, बताओ। आपके वार्ड के लोग कह रहे हैं काम हुआ है? कोई किसी जिसका हुआ है वो बोल रहे हुआ है, नहीं हुआ है, जो हम लोग कैसे बोलेंगे हुआ है बोल के। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हम लोग अभी वैसी है, हम लोग अभी मतलब कि वो आवास योजना नहीं बना है, दो बार फार्म भर चुके फिर भी अभी तक कोई आंसर नहीं हुआ है, पानी का सुविधा नहीं है, साफ सफाई नहीं हुआ, नहीं ना पानी का सुविधा नहीं है, लाइट का भी सुविधा नहीं है। क्या विधायक कभी आते हैं आपके क्षेत्र में? नहीं आते हैं। चार साल चुनाव बीत जाने के बाद आए हैं? नहीं, एक बार भी नहीं आए हैं। आपके विधायक कौन है, जानते हैं विधायक कौन है? नहीं पता है। अच्छा, रायगढ़ राशन कार्ड भी नहीं है यार। नहीं है? नहीं है। तो कभी बनवाने के लिए गए हैं राशन कार्ड? नहीं नहीं तो गए हैं। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना है? हाँ, बना है। अच्छा, ये और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर विधायक प्रकाश नायक रायगढ़ के जो जनप्रतिनिधि हैं, इनके काम से कितने संतुष्ट हैं, इसको लेकर भी बात करेंगे। क्या क्या काम हुआ है आपके क्षेत्र में, कैसा लगता है विधायक का काम, काम हुआ है कि नहीं हुआ? मेरे तो मतलब मैं तीन चार बार वो आवास योजना के लिए घर भरी थी। हाँ। मेरा तो घर ही नहीं है, भाई लोगों के घर में रहती हूँ। हाँ। और उसके लिए मैं फार्म भरी थी, मेरे को तो नहीं मिला। हाँ। घर नहीं मिला, और मैं नहीं बोलूंगी कहाँ काम हुआ है, मेरा काम नहीं हुआ तो मेरा काम होता तो मैं बोलती। और है तो इन लोग बना रहे हैं तो बोल रहे हैं कि पट्टा का नवीनीकरण लाओ, 50 साल का नवीनीकरण, और नवीनीकरण में कितना परेशानी है,
है। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे क्षेत्र में? यहाँ का पैदासी हूँ, जितना मेरे को उम्र हुआ है ना उतना दिन से मैं हूँ। कभी मिलने गए विधायक जी से? मैं तो नहीं गई हूँ। कभी विधायक जी आपके पास आए हैं? नहीं आए हैं। अच्छा, देख सकते हैं लोग कह रहे हैं कि चुनाव बीत जाने को। अच्छा, आप क्या कहेंगे, आए हैं कुछ कह रहे थे? वही तो बता रहे थे, सड़क के बिजली का आए दिन परेशानी होते हैं। और हाँ, 9 बजे नल खुल रहे हैं, पानी भी आज तो कॉल किए थे तो 1 घंटा पानी आए हैं मुश्किल से, आज तो फोन ही करना पड़ गया। अच्छा, आप क्या कहेंगे विधायक जी के काम को लेकर? 4.5 साल का समय बीत गया, अब आगे चुनाव आने वाला है, फिर से चुनावी वायदे लेकर पहुंचेंगे। जो पुराने वायदे हुए थे, जिन मुद्दों पर आपने वोट किया था, क्या वो वोट का सार्थक मिला लाभ? अभी तक तो कुछ लाभ नहीं मिला। अभी हमारे मोहल्ले में बहुत जन का आवास नहीं है, आवास का लाभ नहीं है, और बिजली हर समय बिजली चले जा रही है। इधर पीछे तरफ नाला में वो फिल्टर का बना, उसको में भी साफ सफाई नहीं हो रहा है, एकदम गंदगी हो जा रहा, मच्छर लोग पूरा पनप जा रहे हैं, उसके लिए बार बार शिकायत करने जाते हैं, फिर भी उतना साफ सफाई नहीं हो पाता है। देखा जाए, ये जो वार्ड है, ये कांग्रेस के यहाँ पे पार्षद भी है, रायगढ़ के विधायक का भी वार्ड है। उम्मीद थी डबल इंजन की सरकार बनेगी, चहुमुखी विकास होगा, क्या लगा उम्मीदों पर कितना खरा उतरे विधायक? तो कुछ उसमें खराब नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आज तक ना तो प्रकाश नायक जी यहाँ पे सर्वे में आए हैं, कभी आए नहीं है, न गए नहीं है, उसके बारे में। उसके अलावा 2.5 साल हो गया मेरा मकान टूटा हुआ है बारिश में, इसके लिए मैं मेरी को जो हमारे वार्ड की पार्षद है उसको मैं शिकायत किया, वो आके देखे, फोटो भी खींच के ले गए, उसके बाद में बोला कि डिलीट हो गया और मेरा मकान अभी तक नहीं बना। आवास के लिए मैं आवेदन मेरा पहले पास हो गया था, लेकिन आवास मेरा नहीं बना अभी तक। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, मेरे को ये बताया गया कि आप पट्टा का नवीनीकरण करवा के लाइए। मैंने नवीनीकरण के लिए आवेदन लगाया वहाँ पे कोर्ट में, और पूरा प्रक्रिया करवा के मैं अपना पट्टा बनवा के लाया। उसके बाद जब मैं गया वहाँ बनवाने के लिए, तो मेरे को बोलते हैं कि इसमें तो होगा नहीं, पास नहीं होगा, मतलब आप टाल मटोल किया जा रहा है, एक सीधे से कहे अलग करवाओ बोले। तो मैं बोला अभी खर्चा करके लाया हूँ, अलग करवाओ, मैं तो सहमति दे रहा हूँ ना भाई सबसे। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, नगर निगम के क्षेत्र में आप आते हैं, नगर निगम क्षेत्र में लगभग 1100 आवास खाली है, इसके बारे में आपको जानकारी थी क्या? उसमें पात्रता आपको नहीं मिल रहा है? जी नहीं। चलिए, देख सकते हैं आवास के लिए यहाँ पर जो है लोग भटक रहे हैं, क्या कहेंगे ये क्षेत्र जो है रायगढ़ विधायक जी के क्षेत्र।